नमस्कार दोस्तों, रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी चार पांच चीज़ों के बारे में जो अगर आप प्रेगनेंसी के नौवें महीने में खाती है तो यह आपकी नॉर्मल डिलीवरी के होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप इन चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में या प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरुआत समय में करती है तो यह आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इन सारी चीज़ों का सेवन करना आपके लिए बेहद जरूरी होता है, वो भी प्रेगनेंसी के नौवें महीने में। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है और आपका प्रसव दर्द यानी लेबर पेन भी जल्द आ जाता है समय से। तो इसी के बारे में वीडियो में बताया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं, प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर प्रेगनेंसी के नौवें महीने में, अगर गर्भवती महिला अपने खान पान पर लापरवाही करती है तो इसका सीधा असर उनके डिलीवरी पर पड़ता है, जो कि उनके लिए काफ़ी गलत या सही हो सकता है। अगर उनका खान पान सही रहता है तो उनकी डिलीवरी आसानी से और समय पर हो जाती है। वही अगर वो गलत खान पान का सेवन करती है तो इससे उनकी डिलीवरी होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको प्रेगनेंसी के नौवें महीने में ज़रूर खाना चाहिए। पहली चीज़ है अनानास। आपको मैं बता दूं, प्रेगनेंसी के नौवें महीने में हर गर्भवती महिला को अनानास का सेवन जरूर करना चाहिए। अनानास का सेवन करने से आपका लेबर पेन जल्द और समय से आता है और आपके डिलीवरी के होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आप अनानास का सेवन ज़रूर करें। दूसरी चीज़ है मीट। आपको मैं बता दूं, प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में आप थोड़ा मीट खा सकते हैं, क्योंकि मीट में काफ़ी ज़्यादा तेल मसाला यूज किए होते हैं और तो प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में यह मीट आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप प्रेगनेंसी के नौवें महीने में मीट का सेवन करती है तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मीट के सेवन करने से आपका प्रसव पीड़ा काफ़ी जल्दी आता है और समय पर भी आता है और आपके डिलीवरी के समय कई सारी दिक्कतों को होने से रोकता है यह मीट। तो आप प्रेगनेंसी के नौवें महीने में मीट का सेवन जरूर करें। तीसरी चीज़ है पपीता। आपको मैं बता दूं, खासकर कच्चा पपीता प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में आपको गर्भपात तक के कराने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो आप कच्चे पपीते का सेवन प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में ना करें। वहीं प्रेगनेंसी के नौवें महीने या डिलीवरी के समय की बात की जाए तो डिलीवरी के समय से 15 दिन पहले अगर गर्भवती महिला पपीते का सेवन करती है तो यह पपीता आपके लेबर पेन को लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा पपीते के खाने से आपकी डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है और डिलीवरी के समय होने वाले दर्द से भी राहत दिलाने में थोड़ा मदद करता है यह पपीता। तो आप पपीते का सेवन प्रेगनेंसी के नौवें महीने में ही करें, आप प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में ना करें। आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो तो इसके लिए आप प्रेगनेंसी के समय दाल, शकरकंद, ओट्स, नट्स, इन सारी चीज़ों का सेवन नियमित रूप से करते रहें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने शरीर में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स लेते रहें, जिससे कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे और आप स्वस्थ रहें, आपके शरीर में खून की कमी ना हो, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी या डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो सके और डिलीवरी के समय आपको कोई दिक्कत न आए। तो यही सब थी आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसके अलावा मन में कोई सवाल या सुझाव आ रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।